अगर 20 क्रंचेस में एक लड्डू होता हो तो मैं रोज एक लड्डू खा के 25 क्रंचेस करने की रेडी हूँ। मैं 100 करने की रेडी हूँ। सो एवरी टाइम यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, यू आर इन्वेस्टिंग इन एन आइडिया व्हिच विल बिकम बिग टुमॉरो। यू कैन बी स्मार्ट अबाउट ओनिंग अ पीस ऑफ बिजनेस ऑफ स्मार्ट पीपल हु आर वर्किंग ऑन अ स्मार्ट आइडिया, बिल्डिंग अ कंपनी स्मार्टली सो दैट यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड. And your smart work will make you enough money. Touchdown like the end zone. When the circle turn to my home, can't get me out of my zone. और एक समोसा खा लिया, पांच सेब खा लिए, और दो वो अपने तो ऑरेंज जूस पियोगे, कॉफी पियोगे, टी थोड़ी सी कॉफी पियोगे, गरम की ठंडी भाई, ये क्या है, पचास के एकदम बढ़िया पैकेट। अरे वो गिफ्ट मिला, ये कारपेट में लेके जा रहा हूँ। अरे तो हमको लड्डू पसंद नहीं थे, तुम्हारी दूध का थी तो मैंने दो लड्डू ऐसे कुछ भी नहीं खाया। तो उससे क्या ओ भाई, ये लड्डू तो कितने टेंपटिंग है भाई। ओए भाई आ जाओ फिर। अरे ये तो गलत चीज खोल दी सामने। अरे मैं इंदौर में बहुत 20 क्रंचेस ज्यादा, अगर 20 क्रंचेस में एक लड्डू होता हो तो मैं रोज एक लड्डू खा के 25 क्रंचेस करने की रेडी हूँ। मैं 100 करने की रेडी हूँ। सो अगर ठीक है, एक घंटा फुटबॉल ज्यादा आ गया औकात पे, अभी मैं डाइट पे हूँ। कभी नहीं खाइएगा मावा बदली। मैं भी एक्चुअली खाते जाऊंगा तो बंद कर देते दो। सुनो खाना नहीं, इसी मुंह में रख के देखना टेस्ट करके खाना भाई लोग भयंकर। अरे वो एक्चुअली में मुंह में रख रहे हैं भाई। अरे खाओ, अरे पिघले गए, पिघले गए, रुको रुको, अरे पिघले गए यार, तुम्हारे और क्यों दिख रहे थे तो हां नॉर्मल है, मुंह में रख के देखना सही में रख रो में डाइट करना है, मैं नहीं खाऊंगा ये भाई, ये एक मिनट, एक मैं नहीं खाऊंगा। किसी ने कैलोरीज है जो मेरे इंसुलिन को हेल्प करेगी। ओह नाइस, ठीक है। इंसुलिन रश होगा मेरी बॉडी में तो मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा। ओह मेरे को पता है फोटो में, किसी ने फोटो भी लेनी थी आई थिंक। हां ले लिया फोटो, भगवान से छोड़ मतलब 959 ओनली, but yesterday it was 959 454, after right now it's 959 977. स्पॉन्सर्ड के पास जनरली आपका गिरा है। हाँ हमेशा थ्री थिंग्स के बाद गिरता है, दैट्स दैट वाज द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डूइंग थ्री थिंग्स राइट। बट ये थ्री थिंग्स जितनी बार लोगों से बोलो, लोग बोलते हैं हाँ हमें थ्री थिंग्स ही चाहिए, लेकिन जैसे ही थ्री थिंग्स डालो अपना फॉलोअर ड्रॉप। कि इंस्टाग्राम के रील एडिटर में करने से देयर मतलब इट मेक्स अ डिफरेंस ऑन योर रीच। इट्स नॉट अबाउट ऑब्वियसली, सी द मोर यू यूज इंस्टाग्राम फिल्टर्स द बेटर इज गोना परफॉर्म, बट मेजरली इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंटेंट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या प्रॉब्लम ही हो गया, एवरी टाइम वी पुट थ्री थिंग्स that is targeting our audience, so that is not getting shared. When we post motivational, that gets shared. So जब हम motivational डालते हैं तो हमारे audience के अलावा भी external audience देखता है और इसकी वजह से हमें follow करता है। Three things हमारा external audience नहीं देख सकता। In fact जो existing audience है उसमें से जिसको नहीं देखना three things, वो drop। Numbers, shares ज़्यादा, likes ज़्यादा, comments ज़्यादा, saves ज़्यादा, views ज़्यादा, मतलब इनफैक्ट DMs में भी रेशियो ज्यादा, DMs में भी व्हेन यू सी mentions इन स्टोरीज ज्यादा, और DM जो लोग करते हैं उस पर्टिकुलर वीडियो में वो भी ज्यादा। बट स्टिल जब हम पोल डालते हैं, पूछते हैं लोगों से थ्री थिंग्स डालें कि मोटिवेशन डालें, पीपल चूज थ्री थिंग्स एंड डोमिनेंट 60-40। इनफैक्ट द प्रॉब्लम इज आई थिंक यू नो लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग थ्री थिंग्स आफ्टर सीइंग अस, दे हैव कम्प्लीटली कॉपीड अवर कॉन्टेंट। इनफैक्ट आई कैन पिक अप लाइक बिग बिग इन्फ्लुएंसर्स, बिग कॉन्टेंट क्रिएटर्स, उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जो हमने बोला है ना वो उठा के सेम कॉपी कर दिया, और उनको एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग व्यूज, एंड वो भी थ्री थिंग्स थ्री थिंग्स थ्री थिंग्स बना रहे। थ्री थिंग्स हमारी आईपी है, यू नो दिस राइट, वी हैव वेबसाइट्स एंड वी हैव ट्रेडमार्क ऑन इट, डू यू नो दिस, थ्री थिंग्स टू नो डेली एंड threethings.com, तीनों हमारे पास। The one three things that really performed on your page was वो three life decisions. That was basic. Exactly. ठीक है, the three things that you used to do before, those were life generic, ठीक है, उसमें भी मतलब you weren't pinpointing at a particular direction and making a reel out. जो अभी वाली हो रही है ना, that's pinpointing at finance अभी, एकदम particularly finance. पहले finance और motivation like finance strategies marketing सब work करता था. The point was लेकिन पहले हम क्या बनाते थे कि if we are explaining about let's say जियो, ओके, सो वी यूज़ टू टेल पीपल कि ओके जियो ने इतना पैसा लगाया और ऐसा मिला,
Now we are talking about this is the category they want to capture and market share उनका इतना और market valuation इतनी और market capitalization इतना. So ये लोगों को ये level up ये नहीं समझ आ रहा. Try to simplify it a bit. Even if you're doing it just for the crypto series, let's try and talk about more simplified concepts. If we're talking about Bitcoin, let's just go down to the absolute basics. जैसे Ethereum और Bitcoin वाला था ना वो. That is still more. Exact. Or low. How basic can we go? So that we can capture more audience, because at the end of the day what works is when you're putting money in stocks, you're not technically putting in a company, you're putting in an idea which you believe that one day it will be bigger than the thing you're working on, and that's the game. Socially. क्या लगता है क्यों पैसा दू? ये तो खुद पे लगाएगा ना. Why are you putting your money on let's say Reliance? Because you feel that tomorrow what Reliance is working on today will be bigger than what you are working on, and your money there will get much, it'll expand there or it'll get multiplied there than on yourself. ये तो खुद पे लगाना. So every time you're not investing in a company, you're investing in an idea which will become big tomorrow. कर देना रिकॉर्ड जी. चलो गुड, हमारे एक और रिली कर लेते. यू कैन बी स्मार्ट अबाउट ओनिंग अ पीस ऑफ बिजनेस ऑफ स्मार्ट पीपल हु आर वर्किंग ऑन अ स्मार्ट आइडिया, बिल्डिंग अ कंपनी स्मार्टली सो दैट यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड एंड योर स्मार्ट वर्क विल मेक यू इनफ मनी. ये बेकार नहीं करता आदमी. मेरे को कितना ओरिजिनल लग रहा हूँ भाई. ओरिजिनल ऐसे लगना चाहिए कि भाई तू काम है तो वैसे लोगों को दिखाऊंगा. लेट लेट जाएगा ये तो लोग नहीं कर रहे भाई. तू ये छोड़, तू चाइना में तो क्या, चाइना में क्वांट स्टार्ट हो गया. क्या बोलता है क्वांट? मतलब बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एनालिसिस एल्गोरिदम बेसिस पे ऑटोमेटिकली कंप्यूटर खरीदेगा, कंप्यूटर बेचेगा, स्टॉप लॉस वगैरह वो सेट करके उसमें 97% लोग पैसा कमाते हैं. रेशियो सोच तू क्या बोलिए, मतलब तू इंडिविजुअल आदमी कैसे कमाता है? जब उसको दिखता है कि तेज नीचे जा रहा है फटाक से खरीदने लग जाता है, जैसे ऊपर जा रहा है बेच देता है, पैसा निकालता है, अप डाउन तो पैसे करके कमाता रहे. सोच ये सब कंप्यूटर कर रहा है. हेलो एट द सेम, तू तो एक टाइम पे 15 कंपनी देख सकता है, इंसान है तो 10-50 कंपनी देख सकता है. वो कंप्यूटर एट द सेम टाइम वो 500 कंपनीज को अब देखते जा रहा है. उसके हिसाब से इज टेकिंग करेक्ट. वो भी कुछ मैनुअल बेस है नहीं, कुछ अपना बिक रहा, अपना मारा, अपना बोरा. दैट्स द पीपल से दैट इट्स द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग. पर अभी तक क्या बहुत लोग बिलीव उस पे नहीं करते हैं, बिकॉज देर हैज नॉट बीन सब्सटेंशियल रिजल्ट्स और साइकिल्स कि 15 साल से लोगों ने उस पे नहीं कमाया. लोग अभी लग रहे हैं अभी तो बुल रन है, सब कमाते हैं. अब जब वो बेयर मार्केट में कैसा एक्चुअली परफॉर्म करेगा उस पर डिपेंड करेगा, फिर लोगों का कंप्यूटर एआई और मशीन लर्निंग का भरोसा बहुत बढ़ जाएगा. सोच अगर बेयर पे परफॉर्म कर गया तब हमारा टेक माय मनी बाबा. फक पीपल, व्हाट फक पीपल. लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज. जाके लोगों को बताओ दैट दिस चैनल इज रियली गुड. शेयर करो हर जगह, गो डू इट राइट नाउ. सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक सब करो. इनफैक्ट जो करते हुए ना सब करो, मुझे पता भी नहीं और क्या क्या होता है, बट डू दैट. बेल आइकन वगैरह एक्स वाई जी. अब जाऊं चाय भाई यार.